हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुनील ऑटो कार। सो आज आप सभी के सामने पेश है अपने सेगमेंट की बेहतरीन सी प्रीमियम सेडान कार ऑल न्यू होंडा सिटी। एंड अभी आप लोग यहाँ पे होंडा सिटी के टॉप मॉडल ZX को देख रहे हैं, तो आज इसी को डिटेल में कवर करेंगे एंड साथ ही में बात करेंगे इस गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले लुक्स देखिए भाई साहब, कितने बेहतरीन से लग रहे हैं इस कार के। एंड प्राइस रेंज इसकी स्टार्ट हो जाती है 11,82,000 से, एक्स शोरूम में टॉप मॉडल में जाएगा 17,00,000 के आसपास तक। वेरियंट्स यहाँ पे आपको उसमें मिलेंगे चार, इसका बेस रहेगा SV, देन VX एंड ZX इसका देखने को मिलता है टॉप मॉडल। इंजन स्पार्क में सिर्फ आपको पेट्रोलिक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको मैनुअल CVT दोनों यहाँ पे ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएंगे। और अब इसके बाद आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी पूरी फ्रंट ग्रिल। यहाँ पे बड़ा सा देखेंगे होंडा का लोगो, काफ़ी चौड़ी सी क्रोम की स्लाइड यहाँ पे रहेगी इसके फ्रंट ग्रिल में। ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है। 9 एलिमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं LED वाले, जिनका थ्रो रहेगा नाइट में काफ़ी तगड़ा सा। ऊपर DRS, नीचे रहेंगे इंडिकेटर्स के यहाँ पे प्लेसमेंट। और यहाँ पे फॉग लैंप्स वगैरह भी आपको वही व्हाइट LED वाले यहाँ पे मिलते हैं। लोअर ग्रिल देखिए, यहाँ पे रहेगी कार्बन टाइप फिनिश, जो लग रही है एकदम स्पोर्टी सी। नीचे प्रॉपर इंजन गार्ड वगैरह भी ऑफर किया जाएगा इस कार के साथ। तो ये था इस कार का पूरा फ्रंट प्रोफाइल। आगे आएंगे यहाँ पे इसका रेन सेंसिंग वाइपर्स की प्लेसमेंट। एडास मिलता है टॉप मॉडल में, तो यहाँ पे कैमरा रडार वगैरह देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ। यहीं पर रहेगी रूफ में इसकी सनरूफ। एंड अब इसके बाद चलते गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। इस सेगमेंट में अगर आप दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको हुंडई वरना एंड स्कोडा स्लाविया मारुति सियाज जैसे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन होंडा सिटी का क्या कहना है, लुक्स एकदम बेहतरीन से मिलते हैं प्रीमियम से। इसी के साथ यहाँ पर रहेंगे काफ़ी सारे फीचर्स। मेरी तो पसंदीदा रहने वाली है ये प्रीमियम सेडान कार। व्हाइट कलर में भी आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं, वारंटी वगैरह भी मिलती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की इस कार के साथ। अब यहाँ पर रहने वाले हैं इसमें 16 इंच के अलॉयस, जो काफ़ी बड़े से लग रहे हैं देखने में होंडा का लोगो। एंड यहाँ पे आगे डिस्क ब्रेक्स आप देख सकते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर इनकी बात करें, ये देख लीजिए 150 से बड़े 55 के यहाँ पर रहेंगे 16 इंचेस के, इतना देखेंगे इसका ट्रैवल। ए पिलर यहाँ पे देखेंगे तो रहेगा सेम बॉडी कलर, उसी तरह यहाँ पे इसका आउटसाइड मिरर्स डुअल टोन में। एंड ये ऑटो फोल्डेबल आपको मिलते हैं, जब भी गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे तो फोल्ड एंड फोल्ड हो जाएंगे, इसी में इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे देख सकते हैं, तो भाई साहब जैसे ही हैंडल ग्रैब करेंगे ना, आपकी गाड़ी यहाँ पे अनलॉक हो जाती है। अंदर की बात करें, पूरा प्रीमियम सा डुअल टोन में इसका डैशबोर्ड, टच स्क्रीन, 6 एयरबैग्स रहेंगे, ऊपर देखेंगे सनरूफ, लेदर की यहाँ पे देखेंगे सीट्स, बाकी भी आपको बैठ के दिखाएंगे डिटेल में। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे इसकी स्मार्ट की, इसमें लॉक अनलॉक बूट अनलॉक के बटन से रहते हैं, पीछे रहेगा होंडा का लोगो। दो कीज मिलेंगी, दोनों स्मार्ट यहाँ पे ऑफर की जाती है इस कार के साथ। इसको भी यहाँ पे कर देते हैं बंद। बी पिलर वगैरह देखेंगे, ब्लैक फिनिश में यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे, ऊपर रहेगी इसकी सनरूफ, पीछे इसका शैफेन एंटीना। एंड क्रोम हैंडल आपको सारे यहाँ पे मिलते हैं। रियर में आपको डनबैक्स मिलेंगे, आगे रहते हैं डिस्क ब्रेक्स। एंड अब देखिए इसकी स्पोर्टी सी पूरी रियर प्रोफाइल। इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी आप इसके बगल में खड़ी करिए, लुक्स वाइज भाई साहब ये देती सबको तगड़ी सी मात। बाकी यहाँ पे व्हाइट कलर में आप इसको देख रहे हैं, व्हाइट, रेड, सिल्वर, ब्राउन, ग्रे, ये काफ़ी सारे आपको उसमें कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फीचर्स वाइज भले एक दो यहाँ पे कम मिले, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह हो गए जो इस सेगमेंट में आपको ऑफर की जाती हैं, बाकी भाई साहब लुक्स वाइज एंड यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस वाइज एक नंबर की रहने वाली है ये कार। आप देखिए इसकी पूरी यहाँ पे प्रॉपर बैक प्रोफाइल, सेंटर में बड़ा सा होंडा का लोगो, जस्ट उसके नीचे यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट। इधर यहाँ पे देखेंगे इसकी LED यहाँ पे टेल लैंप्स, इसी में इंडिकेटर्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। सिटी की साइड में रहने वाली बैजिंग, इस तरफ आएंगे IVTEC पैटर्न जो ऑप्शन मिलता है, तो उसकी यहाँ पर बैजिंग रहेगी राइट साइड में। बंपर वगैरह पूरा डुअल टोन में। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर रहने वाले, जो इस सेगमेंट में कुछ कार्स में आपको नहीं मिलेंगे। इधर देखेंगे रिफ्लेक्टर्स वगैरह, एंड यहाँ पर भी रहेगी पूरी वही कार्बन फिनिश, जो रहती है एकदम स्पोर्टी सी देखने में। नीचे का देखिए इसका रियर सस्पेंशन सेटअप, यहाँ पर आएगा टोइंग का ऑप्शन। राइट साइड में रहने वाली इसकी एग्जॉस्ट पाइप, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस इस कार में आपको मिलेगा वही 165 mm का। ऊपर हो गया यहाँ पे इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर, ये रहेगा इसका ये शैफेन एंटीना। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे इसकी पूरी बैक प्रोफाइल। अब आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे इसका बॉडी स्पेस। टेलगेट को भाई साहब खोल दिया, तो इस सेगमेंट के हिसाब से आपको इसमें बड़े सा बॉडी स्पेस मिलेगा 506 लीटर का। 506 लीटर का आपको बॉडी स्पेस मिलता है इस कार में। ऊपर देखेंगे बूट लाइट, यहाँ पे अपना प्रॉपर पूरा सामान वगैरह भर दीजिए। नीचे यहाँ पे इसका स्प्रेविल जो आपको दिया गया नॉर्मल सा स्टील लिम, साइज वगैरह इधर यहाँ पे इसका देख लीजिए। एंड यहाँ पे स्टील लिम रहता है, बाकी टूल किट वगैरह जैक पाना सब यहीं पे आपको नीचे रखा हुआ दिख जाएगा। तो बोर्ड स्पेस की भाई साहब कोई भी कमी फील नहीं होगी इस सेडान कार के साथ। पहले डीजल वगैरह का ऑप्शन मिलता था, अभी वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर ये पूरा कवर यहाँ पर रहेगा इसका टेलगेट। इसको यहाँ पर कर देते बंद, फिर चलेंगे कार के अंदर। एंड उससे पहले बता दें, अगर आपको इससे ज़्यादा तगड़ा माइलेज चाहिए तो आप जा सकते हैं इसके .EV के साथ, मतलब जहाँ पे आपको कंबाइंड मिलता है पेट्रोल एंड EV की पावर, उसमें आपको माइलेज वगैरह भी काफ़ी अच्छा सा मिलेगा इस कार के साथ। लेकिन उसका भाई साहब टॉप मॉडल भी जाता है 22 लाख के आसपास, मतलब 20 लाख प्लस। यहाँ पे इसका फ्यूल फिलर कैप, जहाँ से आप इसमें डलवाएंगे पेट्रोल, 40 लीटर यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है इस कार की। बाकी अब आपको दिखाते हैं इसकी बड़ी सी रहेगी साइड प्रोफाइल। क्रीजेस वगैरह देखिए कितनी जानदार सी लग रही हैं इस सेडान कार पे।
डायमेंशन की बात करें तो इस होंडा सिटी के साथ आपको इसमें 4549 mm की इस कार के यहाँ पे लेंथ, 1748 mm के यहाँ पे इसकी विथ एंड 1479 mm की इस कार के यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाएगी। एंड व्हील बेस वही रहता है 2600 mm का इस कार के साथ। बाकी साइड में देखेंगे डोर हैंडल चारों मिलते क्रोम वाले, इधर से भी आपको मिलेगी बढ़िया से कीलेस एंट्री। और ये देखिए इसका साइड कैमरा, ये काफ़ी बड़े आपको फीचर मिलने वाले, जब भी आप लेफ्ट वाला इंडिकेटर देंगे ये कैमरा ऑन हो जाता है, जिसका डिस्प्ले आपको मिल जाएगा इसकी टच स्क्रीन पे। तो सेफ्टी पर्पस काफ़ी अच्छा फीचर है, यहाँ से भी अपनी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। डैशबोर्ड बड़े सा पूरा प्रीमियम सा, अभी आपको बैठ के दिखाएंगे डिटेल में। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इसके सेकंड वाली रो पे बैठेंगे। डोर ट्रिम पूरी यहाँ पे डुअल टोन में, डोर ओपनर क्रोम में आपको दिया गया, पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ पे पूरा देखेंगे, लेदर टच एकदम प्रीमियम सा लग रहा है। नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर्स की प्लेसमेंट, इस तरह लेआउट यहाँ पे रहने वाले इनके सीट्स का। तो आइए चलिए चलते कार के अंदर। तो गाइस अंदर आने के बाद ये देखेंगे इसका बेहतरीन सा पूरा प्रीमियम सा डैशबोर्ड का, यहाँ पे व्यू, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड यहाँ पे पीछे वाले बंदों के लिए आपको दिए गए हैं बड़े सा रियर पैसेंजर एसी वेंट्स। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, मतलब दो दो दिए गए आपको 12 वोल्ट के यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट, दोनों लोग अपना आराम से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं फोन वगैरह जो भी करना हो चार्ज। बैठने के बाद इतना कुछ आपको यहाँ पे इसमें लेगरूम वेगरूम देखने को मिलेगा, एकदम कंफर्टेबल होकर बैठेंगे आप इस प्रीमियम सेडान कार के अंदर। एंड सीट्स वगैरह में यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह भी रहेंगे, टॉप मॉडल है तो देखेंगे यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है यहाँ पे ZX का। तो इस तरह कुछ बैठने वाले इस कार के अंदर, लेदर के देखेंगे यहाँ पे रहेंगे सारी सीट्स, तीन पॉइंट्स यहाँ पे मिलते सीट बेल्ट वाले, बाकी हेडरेस्ट वगैरह देख रहे ना ये आपको कुछ देखने को मिलते तीन। एंड पीछे का आपको प्रीमियम चीज यहाँ पे दिखाएं, जैसा कि आपने देखा होगा ज़्यादा आपको लग्जरी प्रीमियम कार्स में मिलता है, पहले देखिए चाइल्ड सीट माउंट्स वगैरह यहाँ पे, और ये जो देख रहे हैं ना ये देखिए जो कैमरी वगैरह में आता है वो हालांकि इलेक्ट्रिक निकल के आता है बट यहाँ पे आपको मैनुअल दिया गया है, ये इसका सनब्लाइंड, आराम से धूप वगैरह आए तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इसका ग्रैप हैंडल हुक वगैरह एक ही में आपको दिया गया है। एंड डोर ट्रिम आपने यहाँ पे देख ली, एयरबैग्स की ब्रांडिंग यहाँ पे देख लीजिए ना कितनी जगह आपको दी गई है। रो फ्लाइट की बात करें ये देखिए कितनी प्रीमियम से यहाँ पे रहने वाली है, व्हाइट एलईडी वाली छोटी छोटी यहाँ पे इसकी लाइट्स। तो ये सब देखने के बाद ऊपर सनरूफ बची थी वो भी देखिए, सनरूफ भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे इस कार के साथ। सिक्स एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते तो आपको पिलर्स में उसकी ब्रांडिंग दी गई है। बाकी अब बचा हुआ है आगे का इसका डैशबोर्ड, तो आगे चलते वहां से पूरा कवर करके आपको दिखाते इस कार को। तो आइए निकलते बाहर फिर बात करते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। डोर्स में यहाँ पे देखेंगे तो चाइल्ड लॉक वगैरह रहने वाला है, बाकी ये होगी इसकी ड्राइवर साइड वाली यहाँ पे डोर हैंडल। यहाँ पे जैसे आप इसको ग्रैब करेंगे ना कीलेस एंट्री मिलती है, जैसे भी आपको लॉक करके दिखाते हैं देखिए गाड़ी यहाँ पे हो गई हमारी लॉक, चाबी है मेरे पास ये देखिए पॉकेट में। अब आपको क्या करना है इस तरह हैंडल ग्रैब करेंगे आपकी कार हो जाएगी अनलॉक। तो ये काफ़ी बड़ा सा आपको फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस होंडा सिटी के साथ। खोलते हैं यहाँ पे इसकी डोर को, डोर ट्रिम पूरी देखेंगे डुअल टोन में, यहाँ पे रहने वाले इसमें चारों पॉइंट लॉक अनलॉक पे बटन्स एंड ORB एडजस्टमेंट के सारे कंट्रोल्स, यहाँ से आप इनको फोल्ड एंड फोल्ड भी कर सकते हैं। बाकी डोर ओपनर क्रोम वाला यहाँ पे देखने को मिलता है, ट्विटर्स वगैरह दिए गए यहाँ पे। नीचे जाएंगे तो स्पीकर्स यहाँ पे रहेगी, बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट एंड ये पूरा आपको लेदर टच यहाँ पे देखने को मिलता है इनकी डोर्स में। अब डैशबोर्ड की बात करें पूरा देखिए डुअल टोन में यहाँ पे एकदम प्रीमियम आपको दिया गया है। सीट्स वगैरह स्टॉप मॉडल के साथ आपको यहाँ पे सारी मिलती है लेदर की। क्वालिटी देखिए काफ़ी ज़बरदस्त आपको अच्छी सी यहाँ पे देखने को मिलेगी इनके सीट्स की। हाइट एडजस्टमेंट, सीट क्लाइंट दोनों ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं। पीछे का बोर्ड खोलना है तो उसका लीवर यहाँ पे एंड फ्यूल लीड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इसका बटन दिया गया, इस तरह कुछ प्रेस करके खोल सकते हैं आगे का बोनट खोलने का लीवर ये। मैनुअल ट्रांसमिशन के इसके देखेंगे ABC पैडल साइड में, वहाँ पर रहेगा इसका डेड पैडल और ऊपर की साइड यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, हेडलैम्प एडजस्टर वाला स्विच। तो अब आइए बैठते कार के अंदर फिर आपको दिखाते हैं इसका पूरा डैशबोर्ड। तो भाई जब भी आ चुके हैं यहाँ पे देखेंगे होंडा सिटी के अंदर तो सबसे पहला काम ऑन करेंगे इसका इग्निशन को। तो यहाँ पे था इसका पुश इंजन इच्छा बटन, इसको प्रेस करके आपको दिखाते हैं ये देखिए ये इस तरह कुछ यहाँ पे रहने वाला इसका स्पोर्टी सा पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इधर यहाँ पे इसका RPM मीटर दिया गया, इधर स्पीडोमीटर 220 के यहाँ पे देखेंगे मार्किंग, बीच में इसके MID स्क्रीन मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, इसके MID स्क्रीन में आपको मिलेगी काफी सारी इन्फॉर्मेशन, ट्रिप एवरेज माइलेज रेंज वगैरह यहाँ पे आपसे टेम्परेचर वगैरह देख पा रहे एंड फ्यूल गेज वाली सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे नीचे की साइड। बाकी यहाँ पे दिखा रहा भाई साहब क्लच वगैरह दबा के अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए। इधर जाएंगे तो स्टीयरिंग व्हील देखिए पूरा लेदर अप आपको दिया गया, बढ़िया सा लग रहा पूरा गैंड, इसकी जो ग्रिप है ना काफ़ी अच्छी सी रहेगी, जब आप चलाएंगे तब आपको असली में फील आएगा। होंडा का यहाँ पे आपको मिलता है लोगो, देखेंगे तो एडास वाले काफ़ी सारे फीचर्स ये देख लीजिए, क्रूज कंट्रोल के यहाँ पे बटन्स हो गए, ये लैंड वॉच वगैरह के यहाँ पे एडास वाले रहेंगे काफ़ी सारे बटन्स। फिर आप देखेंगे तो टच इन्फोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स रहने वाले जो आपको यहाँ पे दी जा रही है, इसमें टच स्क्रीन तो ये वॉल्यूम वगैरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी टेलीफोनिक वगैरह यहाँ पे देखेंगे वॉइस कमांड के सारे कंट्रोल्स एंड ये इसका होम वाला बटन। तो ये आपने देखे इसके सारे कंट्रोल्स यहाँ पर रहेगी। ग्रे फिनिश एडजस्टमेंट की बात करें टिल्ट, हाँ तो सिर्फ आपको एक टिल्ट एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिलेगी इसकी स्टेयरिंग, इसको यहाँ पे करते फिक्स। इधर जाएंगे तो यहाँ पे इसके हो गए ऑटोमेटिक हेडलैम्प कंट्रोल्स, यहाँ पे जाएंगे तो इसके रेन सेंसिंग वेपर्स के कंट्रोल्स। अब बात आती है इसकी डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड का पूरा व्यू देखिए एकदम बढ़िया सा लग रहा है ना, यहाँ पर रहने वाली इसकी टच स्क्रीन,
ये भाई साहब फोन पेयर करने के बता रहा एप्लीकेशन वगैरह, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको उसमें वही ब्लूटूथ यूएसबी ऑक्स वाली देखने को मिल जाएंगी। एंड्रॉइड ऑटो पर कार पे यूएसबी ऑक्स सारी कुछ कनेक्टिविटी यहाँ पे ब्लूटूथ यूएसबी रेडियो फोन एंड यहाँ पे ऐप सेटिंग ये काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। लैंग्वेज ब्लूटूथ डिवाइस लिस्ट ऑडियो वॉल्यूम डिस्प्ले क्लॉक ओपनिंग स्क्रीन स्मार्टफोन वाईफाई सेटिंग रियर कैमरा इस तरह की काफ़ी सारी आपको देखेंगे यहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा आएगा वो अगर आपको यहाँ पे इसका लगा के दिखाएं तो ये लगा, ये देखिए इसकी कैमरे की क्वालिटी इस तरह कुछ आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं अपने हिसाब से। कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी एसी वेंट्स वगैरह यहाँ पे देख लीजिए ब्लैक कलर के, जिसके सराउंडिंग यहाँ पे रहेगी पूरी सिल्वर फिनिश। नीचे आते तो फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा स्टॉप मॉडल के साथ। यहाँ पे स्पेस वगैरह अपना फोन वगैरह कुछ भी रख लीजिए, दो दो टाइप ए यूएसबी के पोर्ट्स एंड ये रहेगा 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट। इसको करते हैं यहाँ पे बंद। यहाँ पे भी छोटा मोटा स्पेस, दो ग्लास होल्डर्स यहाँ पे दिए गए, कूलिंग वगैरह रख के एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये इसका 6 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके बाद नीचे देखेंगे पूरी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश यहाँ पे सिल्वर फिनिश। इधर जाएंगे इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पे भी रहेगा, छोटा मोटा स्पेस कुछ भी अपना कॉइंस वगैरह रख सकते हैं। आर्मरेस्ट वगैरह आपको दिया जाएगा पूरा लेदर टच में। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी आपको अगेन स्पेस मिलेगा, तो स्पेस की आपको कहीं भी कमी फील नहीं होगी इस कार में। डोर वगैरह आपने देख ली, यहाँ पे लेदर टेक्सचर आपको मिलता है, वहाँ पे वुडन टाइप की फिनिश यहाँ पे डैशबोर्ड में, ये ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलती है यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में। पूरा प्रीमियम सब फील आने वाला है आपको इस यहाँ पे सेडान कार के साथ। ये सब देखने के बाद ग्लव बॉक्स की तरफ आते हैं, तो ये देख लीजिए इसका बड़े सा यहाँ पे स्पेस रहने वाला है, जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी सामान रख सकते हैं। ऊपर आते हैं इसका यहाँ पे IRVM एंड रूफ और रूफ लाइट वही देखेंगे, फिर आपको वाइट बढ़िया LED वाली यहाँ पे देखने को मिलती है, काफ़ी छोटे साइज के यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स। तो इसको अगर आपको खोल के दिखाएं ये देखिए रेगुलर साइज वही आपको यहाँ पे सनरूफ का देखने को मिल जाएगा इस होंडा सिटी के साथ। मतलब बढ़िया सा एक बंदा आराम से निकल जाएगा, जब भी कहीं घूमने जाइए हिल स्टेशन वगैरह पे बढ़िया सा व्यू लीजिए इससे यहाँ पे बाहर निकल के। हालांकि ड्राइव करते टाइम भाई साहब बाहर नहीं निकलेगा वो, क्योंकि सेफ नहीं होता ना, रिस्की होता काफ़ी। तो यहाँ पे होगा इसके सनरूफ के कंट्रोल्स, माइक वगैरह यहाँ पे होगा इसकी रूफ लाइट। इधर जाएंगे तो वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी इस तरफ देखेंगे तो दोनों साइड भाई साहब यहाँ पे वैनिटी मिरर रहने वाला है टॉप मॉडल के साथ। चलिए इसको करते बंद, तो यही था यहाँ पे होंडा सिटी टॉप मॉडल के अंदर का पूरा डैशबोर्ड। आपको कैसा लगा आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब निकलेंगे गाड़ी के बाहर, फिर बात करते फाइनली इसके इंजन स्पेक प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो यही था इस प्रीमियम सेडान कार के अंदर का पूरा डैशबोर्ड। अब सबसे पहले इसके डोर को यहाँ पे करते बंद। इंजन स्पेक की बात करें तो इस कार के साथ वही एक ही क्लौता आपको मिलने वाला है 1.5 लीटर में यहाँ पे 4 सिलेंडर IVTEC पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 119 BHP की पावर 145 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, समथिंग वही 17 से 18 KM का माइलेज इस कार के साथ। एंड इससे भी अगर आपको बेहतरीन सा माइलेज चाहिए तो आप जा सकते हैं इसके EV प्लस पेट्रोल वाले के साथ, जहां पे आपको 26.5 KM का माइलेज मिलेगा इस कार के साथ। एंड अब फाइनली बात आती है इसकी प्राइसिंग की, जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे ZX टॉप मॉडल में ये आपको पड़ेगा 15,13,000 XLUM एंड 17,75,000 जाएगी ऑन रोड लखनऊ। एंड सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD 6 एयरबैग्स रिवर्स पार्किंग सेंसर रिवर्स पार्किंग कैमरा ट्रैक्शन TPMS व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस्ट सीट बेल्ट वार्निंग इंजन नॉइजर क्रैश सेंसर स्पीड अलर्ट सिस्टम लेन कीप असिस्ट एंड एडास वाले पर रहेंगे काफी सारे फीचर्स इस कार के साथ। तो यही था इसका हमारा वीडियो इस होंडा सिटी के टॉप मॉडल पर। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील, फिर मिलता हूं आपको अगली किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।